Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup to Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Hello student. Now in this video we discuss a numerical problem on the basis of dot product. Okay, last lecture पे भी हम एक dot product से related problem को solve कर रहे थे, so कुछ student तो उसको solve कर पाए थे, है ना। मैंने उसका solution send किया था, तब भी कुछ student को समझ में नहीं आया था। कोई मुश्किल नहीं है, अब उसी से related हम एक numerical problem को solve करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि dot product कैसे करते हैं। okay, suppose कीजिए हमारे पास, यानी हमको two vector given है, vector है, वेक्टर ए गिवन है 4i प्लस 3j माइनस 4k एंड वेक्टर बी गिवन है 3i प्लस 4j प्लस 6k। ओके, सो हमसे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, तो सपोज के लिए हमने लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, नाउ वी हैव, हमें फॉर्मूला पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ओके, सो कल जो प्रॉब्लम थी सिर्फ यहीं तक सीमित है ना, ए डॉट बी फाइंड करना था। सो ए डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से आप देख सकते हैं, ए का वैल्यू पुट कर दिया, कितना हो जाएगा 4i प्लस 3j, और बी का वैल्यू पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल ली। ओके, यहाँ से क्या करा, ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड पुट किया है, ए क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर है। ओके, इंटू बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दिया है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ध्यान दीजिए, सिंपल इनका प्रोडक्ट क्या है, 4 3 12 आई डॉट आई प्लस 4 4 16 आई डॉट जे प्लस 4 6 24 आई डॉट के, ऐसे ही सारी टर्म को क्या किया है, प्रोडक्ट कर दिया है। ओके, और डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ही लिखा रहने दिया। राइट हैंड साइड में क्या हो गया, सबको ऐड कर दिया है इनको, है ना, स्क्वायर कर दिया है, और कॉस थीटा वैसे ही लिखा रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं, उस रोज जो हमने बताया था क्या बताया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, एक वीडियो बनाया था इस पर लेक्चर में, क्या था आई डॉट आई, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर, है ना, सेम यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे आई डॉट आई को, मगर मैं फॉर्मूले से ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखें, अगर आप ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ वी इंटू कॉस थीटा। अगर मैं आई डॉट आई की बात करूँ, आई डॉट आई की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा मोड ऑफ आई इंटू मोड ऑफ आई, है ना, इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 होता है, ये कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर है आई, तो सो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 1 होगा, कॉस जीरो की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी। अगर कल का वीडियो आप चेक करना, आई डॉट जे यानी आई का किसी अदर वैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस, आई और जे क्या होता है, आई क्या होता है एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, और जे क्या होता है वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है ना। सो आई, इनके बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन आई एंड जे कितना होगा 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, सो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। वैसे ही आई डॉट जे, आई डॉट के फाइंड करूँगा तब भी क्या आ जाएगी 0, या जे डॉट के फाइंड करूँगा तब भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, सो ये जो टर्म है, यहाँ से आई डॉट आई, इसका वैल्यू तो मुझे मिलेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। इसके बाद आई डॉट जे है, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, आई डॉट के है, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, जे डॉट आई है, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये सिर्फ जे डॉट जे ये मिलेगी मुझको, ये कितना हो जाएगा 12, ये सारी टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ के डॉट के वाली टर्म बचेगी माइनस का 24। सो ये क्या आ गया आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को आप देखते रहेंगे तो डॉट, एक डॉट प्रोडक्ट ही तो है ये, राइट हैंड साइड से काम कर रहे हैं हम एंगल कैलकुलेट करने का। सो क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 24 0 हो जाएगा, ये 41 और ये 61 ये भी दूसरी साइड जाके 0 के अपॉन में जो करके इसको भी 0 हो जाता है, यानी यहाँ से क्या मिलेगा हमको कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। क्या मतलब है, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की
नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।